वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए कितने खूबसूरत है हमारे रोज़ प्लांट लग रहे हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो रही है। और ये आप सब जानते ही हैं विंटर में हमारे रोज़ प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम विंटर में अपने प्लांट के लिए मिट्टी कैसे बनाएं। तो हमने अपने हिबिस्कस के प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आया है। इसे हम शॉपिंग नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे ये प्लांट हमारे पास आ जाए। इसके पहले ये प्लांट हमारे पास था फ्रेंड्स, लेकिन गर्मियों में तो पता नहीं क्यों ये प्लांट हमारे पास कुछ दिन रहा और फ्लावरिंग भी हुई इस प्लांट में, और फिर वो प्लांट हमारा मर गया। उसके बाद काफ़ी दिनों तो कि हमने ये प्लांट को ढूंढा और ये कलर हमारे हमें नहीं मिला। उसके बाद देखिए ये आज हमको ये कलर मिला है। तो इसकी ब्रांचेस देखिए फ्रेंड्स, बहुत पतली हैं और बहुत हेल्दी तो नहीं कह सकते फ्रेंड, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और इस तरह की चिकनी मिट्टी में ये प्लांट लगा हुआ है और इतने छोटे से बैग में है ये। ये देखिए इसकी पत्तियाँ यहाँ मुड़ी हुई हैं। और हमने ये जब प्लांट हमको मिला फ्रेंड्स, तो हमने ये नहीं देखा कि ये किस कंडीशन में है, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस ये मिल गया तो बस हमें लेना है और इसे अपने गार्डन में ला के और अच्छे से मिट्टी में हम इसे लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बस यही सोच के इस प्लांट को हमने मंगा लिया और ये प्लांट ये हमारे पास आ गया। तो इसकी प्राइस हम बता दें फ्रेंड्स, ये 30 रुपीज़ उन्होंने कहा था और 20 रुपीज़ में बोल के लिया गया है। तो ये 20 रुपीज़ में, अगर ये 30 रुपीज़ भी मिल जाता फ्रेंड तो भी हम ले लेते हैं, अगर वो कम नहीं करते तो। ये 20 रुपीज़ में ये प्लांट हमें मिला है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रेंड्स इसे हम अपने गार्डन की मिट्टी में इस प्लांट को हम लगा लेंगे तो ये प्लांट हमारे पास फिर से हो जाएगा। अब इसके ऊपर पहले हम फ्रेंड्स, ये इसकी पत्तियाँ मुड़ी हुई है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम स्प्रे फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे, पानी में घोल के थोड़ी सी मिट्टी में भी दे देंगे और अभी 1-2 दिन इसको ऐसे ही रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा ये हमारे पास भी अच्छे से, फिर 2 दिन के बाद इसे हम अच्छे से एक पॉट में लगा देंगे। हमने इस नीले हिबिस्कस के प्लांट को लगाएंगे, इसमें नीले कलर के फूल आते हैं फ्रेंड्स और इनको आके हमारे यहाँ 2 दिन हो चुके हैं। और हमने ये देखिए अभी इसकी मिट्टी कितनी सख्त है फ्रेंड, ये देखिए ये चिकनी मिट्टी में लगी हुई है प्लांट, ये नर्सरी वाले के पास है। तो ये मिट्टी को हम हटा देंगे और इसमें हम अपने गार्डन की मिट्टी ऐड करेंगे। तो आप ये देखिए हमारे गार्डन की मिट्टी है और इसके अंदर राइस हस्क मिला हुआ है फ्रेंड्स, और कुछ सूखी हुई गोबर की खाद मिली हुई है हमारी मिट्टी में, और रिवर सेंट मिला हुआ है। ये सीवीड है, ये एप्सम सॉल्ट है, ये DAP के दाने हैं, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फ्रेंड ये हमारा फंगीसाइड है, और ये हमने कुछ 1 चम्मच बॉन मिल ले लिखा है। तो इस प्लांट को हम इसी तरह लगाएंगे फ्रेंड्स। और आप जानते हैं विंटर में जो हमारे देसी हिबिस्कस होते हैं फ्रेंड, तो उनका थोड़ा डॉर्मेंसी पीरियड होता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर दूंगी, अपने पॉट में लगा दूंगी अच्छे से मिट्टी तैयार करके, और इस मिट्टी को मैं हटा दूंगी। इस मिट्टी को हटाने के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको बैग से निकालने के बाद पानी में इनकी पूरे पानी में डाल दीजिए और धीरे धीरे ये मिट्टी हट जाएंगी और हमारा जो ये जड़ें हैं इसकी प्लांट की रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। और इस तरह से पानी में हम डिप करके अपने प्लांट को सेफ इसकी मिट्टियों से अलग कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैग से अपने प्लांट को बाहर निकाल लिया है और उस प्लांट की ये इसकी जड़ें हैं, ये देखिए इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसकी ये हम निकालेंगे तो इसकी ये जड़ें टूटने लगती हैं, तो इसे सावधानी से हमें निकालना होगा। और धीरे धीरे देखिए, और रूट भी इसकी हमारी टूटेंगी नहीं, सेफ रहेंगी। और ये मिट्टी बाद में जब पानी नहीं मिलता, इस मिट्टी को बहुत सख्त हो जाती हैं और चिकनी हो जाती हैं, जिससे हमारा प्लांट बाद में दिक्कत हो जाता है। और जब ये इसकी रूट्स पकड़ लेती हैं, बड़े हो जाते हैं, तो एक प्लांट हमारा सूखने लगता है। तो इस तरह की मिट्टी को हमें निकाल देना चाहिए। और ये देखिए सारी मिट्टी निकल गई है, अब इसे हम अपने गमले की मिट्टी में लगा देंगे। तो चलिए हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं फ्रेंड्स। ये हमने इस पॉट में से हमें लगाना है और इसके अंदर हम अपने मिट्टी को पहले नीचे रख देंगे। नीचे सूखी हुई कंपोस्ट है हमारी,
फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। एप्सम साल्ट मिला रखा है जिससे हमारे प्लांट को कोई शॉक ना लगे, और इस तरह से हम सेंटर में अपने प्लांट को रख देंगे और उसके बाद मिट्टी से फिल कर देंगे। पूरे पॉट को हम भर देंगे, हम अपने प्लांट को सेट कर देंगे और थोड़ी सी जगह इसमें इस पॉट में हम छोड़ देंगे ताकि जब भी हम इसमें वाटरिंग करें, पानी दें अपने प्लांट में, तो थोड़ा यहाँ पानी ताकि इस प्लांट में मिल जाए। और विंटर में तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी और इसे प्लांट को सिर्फ हमारा प्लांट सेट हो जाए, ग्रोथ अच्छी करे, तो इस तरह की मिट्टी आप बना के अपने प्लांट को लगाएंगे और चिकनी मिट्टी हटा देंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये एक चम्मच एप्सम सॉल्ट है, ये इस तरह से वाइट आइट होते हैं, इसको पानी में हम मिक्स करके अपने प्लांट को दे देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट की हमने मिट्टी हटा दी है तो हमारा प्लांट बिल्कुल भी शॉक में नहीं आएगा। इस तरह से इसे पानी में मिलाकर हम अपने प्लांट की जड़ों में ये दे देंगे। अब मैं इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी ही दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि हमारे प्लांट की क्या ग्रोथ है। हमारा ये देखिए, आप ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इतना छोटा सा और पतला सा प्लांट है। ऊपर ये सिर्फ यहाँ पर चार पत्तियाँ हैं और कोई भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ नीचे एक ब्रांच है। तो ये इस तरह से अगर हम अपने प्लांट को लगाएंगे तो हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और विंटर में भी इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी। और जैसे जनवरी फरवरी जब आएगा तो इस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ भी होगी, उसमें फ्लावरिंग भी होगी।